नमस्कार, आप देख रहे हैं जी हेडलाइंस। लोकसभा 2019 के चुनाव की घड़ी बेहद ही करीब है। ऐसे में कई राजनीतिक दलों के नेता दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी के कई विधायक भाजपा में शामिल हो गए, तो वहीं यूपीए का साथ छोड़ के कई नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का क्या कुछ कहना है, आप भी सुने। बहुत सारे ममता बनर्जी के करीबी विधायक पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बंगाल में, आप सुन लीजिए घोषणा मेरा, मैं जो कहता हूँ भगवान की कृपा से मेरे भावना को, बंगाल में इस बार ममता का नष्ट नाबूद हो जाए, ममता का धाराशाही होगा और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उभर करके आ रही है एनडीए, आप देख लीजिए। यूपीए की बात की जाए तो यूपीए के राहुल गांधी के जितने सहयोगी हैं एक एक करके छोड़े जा रहे हैं, कितने स्टिंग ऑपरेशन टाइम्स ने किया उसमें। अरे ये यूपीए है, ये पाप का घड़ा फूटेगा, ये यूपीए नहीं है, ये सारे पाप किए हुए लोगों का एक साथ गठबंधन है, ये ठगने वाले लोग जिन्होंने माल लूटा है, ये वंशवाद लड़ाई विकास बनाम विनाश का है, लड़ाई राष्ट्रवाद बनाम वंशवाद का है, ये वंशवाद वाले ये इनको पूछना होगा ये किसने जमीन का लूटा, किसने सौदा किया, कौन पैसा कहां से आया, 10 साल और आजादी के 55 साल तक आपने चलाया था पार्टी, किसके साथ आपने लूटा है। सहयोगी भी राहुल पे विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे हैं राहुल गांधी के नेतृत्व पे, अब ये तो हो जाने, अब जिसको मटर और मिर्चा में अंतर ना हो वो नेता बन जा रहते रहा दुर्भाग्य। सुना आपने अश्विनी चौबे को, एक तरफ जहां ममता बनर्जी पे हमले करते हुए कह रहे हैं कि इस बार बंगाल से ममता बनर्जी निस्तो नाबूद हो जाएंगी और भाजपा और एनडीए उभर के आएगी बंगाल में, तो वहीं यूपीए पे भी हमला किया। अश्विनी चौबे ने कहा कि ये यूपीए नहीं, ये पापियों का गठबंधन है। तो वहीं राहुल गांधी का साथ छोड़ रहे कांग्रेसियों को लेकर के राहुल गांधी पे हमला किया। अश्विनी चौबे ने कहा कि जिसे मटर और मिर्च का फर्क नहीं पता वो रातों रात नेता बन जाता है। अब देखना ये है कि ये वार पलटवार अभी और कितने दिन चलना है। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक शेखर के साथ अपने रंजन जी हेडलाइंस।